दोस्तों एशिया कॉन्टिनेंट के दो ऐसे देश जो 1948 से पहले केवल एक ही नाम से जाने जाते थे, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान 1948 में नॉर्थ एंड साउथ कोरिया दो अलग अलग देश बन गए। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, कोरिया की स्टोरी भी इंडिया एंड पाकिस्तान जैसे ही है। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, वैसे ही नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में बात बनती नहीं है और टकराव का माहौल हमेशा ही बना रहता है। दोस्तों जहाँ साउथ कोरिया दुनिया में मशहूर है अपनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी, पॉपुलर कल्चर एंड टूरिज्म के लिए, वहीं नॉर्थ कोरिया दुनिया में अपनी खतरनाक तानाशाह किम जोंग की तानाशाही और सैन्य शक्ति के लिए हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कंट्रीज के बीच में फुल एंड बायस कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा कंट्री है बेस्ट। तो देखते रहिए हमारा यह वीडियो एकदम लास्ट तक, क्योंकि फेमस फूड से लेकर फेमस टूरिस्ट साइट्स एंड इकोनॉमी से लेकर अमेजिंग फैक्ट्स जैसे 10 से भी ज्यादा फैक्ट्स के बेस पर हम इन दोनों कंट्रीज के बीच में फुल कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की बिना किसी देरी के। दोस्तों नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। इस देश में यहाँ के राजा यानी तानाशाह किम जोंग के ऑर्डर के बिना पत्ता तक नहीं हिलता भाई। यहाँ पर सारे रूल एंड रेगुलेशन यहाँ का संघ की तानाशाही बनाता है और उसके मनचाहे नियमों का पालन सारे देश की जनता को करना होता है। वहीं साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जो कि पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक एंड डेवलप्ड कंट्री है और नॉर्थ कोरिया से लगभग हर मामले में 10 गुना आगे है। तो दोस्तों शुरुआत करते अपने कंपैरिजन की एरिया यानी क्षेत्रफल के साथ में। तो कोरियन पेनिनसुला का टोटल लैंड एरिया 2,23,170 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें नॉर्थ कोरिया का टोटल लैंड एरिया 1,20,550 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं साउथ कोरिया का 1,210 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों लैंड एरिया के हिसाब से नॉर्थ कोरिया पूरे वर्ल्ड में 99th पोजीशन पर आता है, वहीं साउथ कोरिया 109th पोजीशन पर आता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमी की। तो जहाँ नॉर्थ कोरिया की करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है, वहीं साउथ कोरिया की साउथ कोरियन वॉन। जहाँ नॉर्थ कोरिया पार्टीशन के बाद ग्रोथ नहीं कर पाया, वहीं साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 80% ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की। आज 2021 में नॉर्थ कोरिया की जीडीपी ओनली $19 बिलियन है, जो कि पूरी दुनिया में 115वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं साउथ कोरिया की जीडीपी $1.6 ट्रिलियन है, जो कि दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पर कैपिटा इनकम के मामले में नॉर्थ कोरिया दुनिया के सभी देशों में 178वें नंबर पर आता है, जिसकी पर कैपिटा इनकम $1,700 है। वहीं $30,644 पर कैपिटा इनकम के साथ साउथ कोरिया पूरी दुनिया में 26वां स्थान रखता है। नॉर्थ कोरिया की जीडीपी ग्रोथ रेट -4.1% है, वहीं साउथ कोरिया की 3.2%। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोनों ही कंट्रीज के कुछ फेमस फूड आइटम्स के बारे में। तो नॉर्थ कोरिया में आपको जहाँ ऑस्ट्रिच बीबीक्यू, इंजो गोगी बैप, गोंग मिरी, तालपी, डक हार्ट, पाइन मशरूम, पैन सांगी, प्योंगयांग कोल्ड नूडल्स एंड सियरचिन खाने को मिल जाएगा। वहीं साउथ कोरिया में आपको बिबिम बैप, जो एक टाइप का राइस बाउल होता है, जैप चाय, किमची, हैमल पाजियन, किम बैप, पैट बिंगसू एंड सोफ तोफू स्टू जैसी डिशेस खाने को मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं दोनों कंट्रीज की कुछ फेमस टूरिस्ट साइट्स के बारे में। तो जहां साउथ कोरिया में आप चैंग दियोक गैंग, ब्यूसन, जियोनजू, सियोल द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया, बैकचॉन हैनोक विलेज, सियोरक्शन नेशनल पार्क, द DMZ, नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया, लोटेवर्ड एंड मैजिक आइलैंड जैसी जगहों को विजिट कर सकते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया में आप आर्क ऑफ द ट्रियंफ, प्योंगयांग द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया, सेंट्रल बॉटेनिकल गार्डन, चैंगवैंग हेल्थ कॉम्प्लेक्स, चोलीमा स्टैचू, ईस्ट प्योंगयांग No. 1 मिडिल स्कूल, ग्रैंड पीपल स्टडी हाउस, जचे टावर, काइसन यूथ पार्क एंड किम इल संग स्क्वायर जैसी जगहों को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सियोल है और लार्जेस्ट सिटी एंडोंग, वहीं नॉर्थ कोरिया की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी प्योंगयांग है। दोनों ही कंट्रीज नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है, जिसे हंगुल भी कहा जाता है और इसे बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 6 करोड़ के आसपास है। नॉर्थ कोरिया में टोटली 9 प्रोविंसेस हैं, जिसमें एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस हवांगे है। वहीं साउथ कोरिया में टोटली 8 प्रोविंसेस हैं, जिसमें एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस गयोंगी है। दोनों ही कंट्रीज के रिलीजन को देखें तो साउथ कोरिया में 56.1% पीपल्स अथीस्ट हैं, जो कि किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। वहीं अदर रिलीजन में 25.5% बुद्धिज्म, 7.9% कैथोलिक्स एंड अदर रिलीजन शामिल है। वहीं नॉर्थ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन अथीस्ट है, जो कि किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती है। दोस्तों साउथ कोरिया के फेमस फेस्टिवल्स में जेजू फायर फेस्टिवल, हैंसिक,
यूडू, सियोनसन सनराइज फेस्टिवल एंड जिंजू लैंटर्न फेस्टिवल शामिल हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया की फेमस फेस्टिवल्स में न्यू ईयर्स डे, आर्मी डे, फेस्टिवल ऑफ सर्वेंट्स, बुद्धास बर्थडे, हार्वेस्ट फेस्टिवल शामिल हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट 99% है जबकि साउथ कोरिया का 98%। चलिए दोस्तों लास्टली कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें अगर साउथ कोरिया की तो इस देश का एक निकनेम जोसियोन भी है जिसका अर्थ है शांत सुबह की भूमि यानी लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे कंट्री इंडिया एंड साउथ कोरिया का इंडिपेंडेंस डे सेम डेट को आता है और यह है 15 अगस्त, और इसी दिन साउथ कोरिया को जापान से आजादी मिली थी। दक्षिण कोरिया का राजधानी शहर सियोल है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है और एक वैश्विक नगर भी। दोस्तों सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन साउथ कोरिया में ब्लड ग्रुप को किसी भी आदमी की पहचान के लिए काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके बेस पर पता चलता है कि आदमी अच्छा है या फिर बुरा। दोस्तों अगर बात की जाए नॉर्थ कोरिया की तो नॉर्थ कोरिया विश्व के उन देशों में शामिल है जहां पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता। इस देश में आम जनता को इंटरनेट चलाने की इजाजत नहीं है, केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में केवल सरकारी लोगों के पास ही कार हो सकती है, बाकी अन्य लोगों को कार रखने की अनुमति नहीं है। दोस्तों वैसे तो नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है लेकिन आप शॉक्ड हो जाएंगे यह बात सुनकर कि लोगों के पास वोट डालने के लिए केवल एकमात्र ही ऑप्शन होता है और वो है यहाँ की राजा किम जोंग का। ईयर 2015 से नॉर्थ कोरिया में कोक पूरी तरीके से बैन है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में कोई भी जीन्स नहीं पहन सकता क्योंकि किम का मानना है कि यह अमेरिकी कल्चर है और वे अमेरिका से नफरत करते हैं। नॉर्थ कोरिया के हर घर में यहाँ की गवर्नमेंट ने एक रेडियो लगाया है जिसे बंद करने की इजाजत किसी भी नागरिक को नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।